गवर्नमेंट स्टेट ऑन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बेंगलुरु डिवीजन को इंडियन एयर फोर्स को हैंडओवर करने जा रही है। ऐसा करने का कारण लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हो रहे डिलेज को रोकना है। ये डेवलपमेंट ऐसे क्रूशियल टाइम पर आई है जब एलसीए प्रोजेक्ट के नेक्स्ट फेस मार्क टू वेरिएंट की डेवलपमेंट और कंट्री के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए की डेवलपमेंट भी शेप लेने जा रही है। एक ऑफिशियल सोर्स ने रिपोर्टर्स को बताया कि गवर्नमेंट ने पूरे बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स को आईएएफ को हैंडओवर करने की मंजूरी दे दी है। ऐसा करने के साथ एचएएल की फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट डिवीजन इंडियन एयरफोर्स के अंडर आ जाएगी, लेकिन ऐसा होने में एचएएल अड़चने डाल रहा है। एचएएल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की एक रेंज को मैन्युफैक्चर और असेंबल करती है, लेकिन वो टाइम टाइम पर अब क्रिटिसिज्म का शिकार होता रहा है क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा लंबे समय से डिले हो रहे हैं और उनकी कीमत भी बढ़ा दी गई है। लेकिन एचएएल का दावा है कि इंडियन एयरफोर्स को डिवीजन हैंडओवर करने के कारण इस एयरक्राफ्ट में और ज्यादा डिलेस होंगे, लेकिन कईयों का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स को एलसीए प्रोग्राम को 2 दशक पहले ही टेक ओवर कर लेना चाहिए था। एलसीए एक अमेरिकन GE-404 इंजन द्वारा पावर्ड है, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स कहती है कि ये अंडर पावर्ड है। इस इश्यू को एलसीए मार्क टू में करेक्ट किया जाएगा, जो कि एक बड़ा एयरक्राफ्ट होगा जिसे कि GE-414 इंजन द्वारा पावर किया जाएगा, जो कि 98 kN थ्रस्ट पैदा करेगा। एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने कहा कि ये डिज़ाइन चेंज बहुत पहले ही शुरू हो गया था, हम नहीं चाहते हैं कि कोई सुपरफिशियल चेंजेस हो, लेकिन हम परफॉर्मेंस में रियल इंक्रीज चाहते हैं। टारगेट ये है कि इसकी परफॉर्मेंस या तो मिराज एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को मीट करे या एक्सीड करे। एक बड़े और ज़्यादा पावरफुल इंजन को अकोमोडेट करने के लिए, जिसे कि ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत भी होगी, उसके लिए एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन को बड़ा करना होगा, जिसके लिए मेजर डिज़ाइन और इंजीनियरिंग एफर्ट की ज़रूरत होगी। ऑफिसर ने नोट किया कि ये कंसर्न्स और चैलेंजेस हैं, लेकिन ये किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि मार्क टू का पहला प्रोटोटाइप 2022-23 में अपनी डेब्यूट फ्लाइट करेगा और इसकी इनिशियल ऑपरेशनल क्लीयरेंस और फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस उसके अगले 5 सालों में पूरी हो जाएगी। हमारा अभी का टारगेट ये है कि इसकी पहली स्क्वाड्रन 2028 तक तैयार हो जाए। इंडियन एयरफोर्स एलसीए मार्क टू की बहुत स्क्वाड्रन्स खड़ी करना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी 3 मिराज स्क्वाड्रन्स, 3 MiG-29 स्क्वाड्रन्स और 6 जैगुआर स्क्वाड्रन्स को रिप्लेस करना है। एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनमें 16 फाइटर्स और 2 ट्रेनर्स होते हैं। हालांकि ये एयरक्राफ्ट के टाइप और ज़रूरत के अनुसार बदल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।